तो फाइनली हमारा माइक जो हमने दराज से ऑर्डर किया था वो आ चुका है। तो जब माइक्रोफोन की हमने अनबॉक्सिंग की थी और रिव्यू किया था, तब मैंने आपको मेंशन की थी ये बात कि माइक मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया, तो जैसे ही आता हम उनको अनबॉक्स भी करेंगे। और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि ट्राईपॉड जो माइक स्टैंड है यार, तो माइक स्टैंड और माइक जो है वो अलग अलग करो ऑर्डर या फिर एक साथ करो, तो कहाँ से आपको जो है वो जो आपके पैसे हैं वो बचते हैं, मतलब सेव करते हो आप, तो वो भी आज आपको बताऊंगा। उससे पहले हम लोग अपने पार्सल को अनबॉक्स करते हैं जो कि दराज से है। तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट और कुछ बैग पे किया है, तो विदाउट एनी फर्दर डू अनबॉक्स करते हैं यार इसको। तो आज मैं अपना जो कटर है साथ लेकर आया हूँ यार, तो इसको हमने यहाँ से अनबॉक्स किया, तो इसकी ज़रूरत नहीं, इसको साइड पर करते हैं। और जो हमारा फर्स्ट लुक है माइक का वो कुछ इस तरह से गया, और वेट इसका यार काफ़ी हैवी है। तो जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जो कि हमारा स्टैंड था उस पे भी यही चीज़ बनी थी, और इस पे भी यही माइक बना हुआ है। फ्रंट पे देखो माइक्रोफोन दिया गया, और साथ में यहाँ पे प्राइस टैग भी लिखा हुआ है जो कि 5700 का है। 5700 का प्राइस टैग यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए इन्होंने। तो बैक साइड पे देखें बिल्कुल सिंपल है, नथिंग एल्स। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कलर्स कुछ दिए गए, और कलर्स मेंशन नहीं है कौन सा, मुझे भी नहीं पता क्या यार इसमें, आई थिंक सो गोल्डन कलर होगा। तो वहाँ पे क्योंकि मैंने ऑर्डर भी किया था और कलर्स वहाँ पे मेंशन भी नहीं थे, तो आई थिंक सो ये गोल्डन कलर ही यहाँ पर देगा। उम्मीद है कि यार सेकंड हैंड प्रोडक्ट ना दें। तो यहाँ पर ब्लैक एंड गोल्ड, आई थिंक सो वही है, बैक से ब्लैक एंड ऊपर से गोल्ड। तो और तो कुछ इसमें बताने का है नहीं, पैकिंग इसने काफ़ी अच्छी सेफली लिए किए हुए है ताकि प्रोडक्ट जो है हमारा ख़राब ना हो। तो खैर इसको सिंपल हम यहाँ से निकालते हैं। और यार बॉक्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ से कुछ ऐसा लग रहा है जैसे यूज़ किया गया ऑलरेडी। तो खैर इसको निकालते हैं और फिर पता चलता है कि हमारा माइक यूज़ हुआ या नहीं। तो ये इतना बड़ा फोम एंड हमारा माइक, माइक होल्डर और इसको होल्ड करने वाली चाबी, एंड हमें यहाँ पे जो वायर है वो दी गई है। तो इसको हम बंद करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो माइक का ऊपर जो अगर आप लगाना चाहते हो सिंपल लगा सकते हो, जो कि अच्छी चीज़ है, इसके साथ आया हुआ है। और यहाँ पर माइक जो है आप लगा के होल्ड कर सकते हो लाइक दैट। अच्छा यार ये यहाँ पर ना इसको फिक्स करना होता है यहाँ पर, आई थिंक सो ये तो ख़राब सा दिख रहा है, यहाँ पे ये होल्ड नहीं कर पा रहा। लेट्स सी, देखते हैं इसको क्या सीन है। तो ये हमारे माइक का जो वायर है वो है, तो माइक को सिंपल हम निकालते हैं। उम्मीद है कि माइक ठीक ही होगा। मॉडल इसका है BM800, तो इस पे माइक का मॉडल नहीं दिया गया। माइक का डब्बा है, बॉक्स है, ये और है, और जो बीच में माइक इसने डाल कर दिया है वो माइक और है। तो फिर भी हम ट्राई ज़रूर करेंगे, नहीं तो हमारे पास दराज का ऑप्शन अवेलेबल है भाई, वापस कर देंगे, मसला थोड़ा ही है। यहाँ से हम अपने माइक को लगाते हैं, लगाने के बाद सिंपल आप इसको अपने फ़ोन में या फिर कैमरा में जहाँ भी आप लगाना चाहो सिंपल लगा सकते हो। तो ये हमारा माइक आ गया। तो अब बारी है हमारे ट्राईपॉड स्टैंड की। तो यार मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने इसे यूज़ तक नहीं किया, तो उम्मीद यही है। तो काफ़ी यार इसको प्रेस करके रखना पड़ता है, काफ़ी मतलब कि सख्त है यार ये। तो हम यहाँ पर अपना स्टैंड भी लाते हैं और इसको फिक्स करते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम माइक इसमें लगाते हैं। यार इसका इन्होंने ना पता नहीं कुछ चीज़ मिसिंग की हुई है, जिसकी वजह से यार ये जो है यहाँ पे होल्ड नहीं हो पा रहा। यहाँ पर अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ है जो कि इसको आई थिंक सो होल्ड करती थी बैक पे, कोई ऐसा चीज़ भी यहाँ पर बॉक्स में हमारे नहीं है जो कि हम इसको यहाँ पर होल्ड कर सकें। तो अब हम इसको सिंपल यहाँ से निकालते हैं इस वाले को, और जो हमारा माइक है सिंपल हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये लो गाइस, हमारा जो माइक है ये फिट हो चुका है यहाँ पर। और अब जो है मेरे ख्याल से मैंने इसको उल्टा लगा दी, लेकिन चलो काम करेगा ये। इसको अब मैं यहाँ से फिक्स करता हूँ।
तो ये हमारा माइक हो गया फिक्स इसमें, तो इसको हम सिंपली यहाँ से मूव भी कर सकते हैं लाइक यहाँ पर, और यहाँ पर हम सिंपल अपना वायर जो है अटैच करके इसको यहाँ से लेकर जा सकते हैं लाइक वो अब कनेक्ट हो गया। तो थोड़ा सा आगे और थोड़ा यहाँ पर, मतलब थोड़ा इसको आगे बांधूँ तो फिर ये परफेक्टली आएगा, और यहाँ पर मैं इसको फोम भी अटैच कर सकता हूँ अगर यार आपने करना हुआ। तो ये हमारा माइक हो गया रेडी। खैर इसकी ज़रूरत और इसकी ज़रूरत हमें अभी बाद नहीं पड़ेगी, अभी तो खैर इसमें एक चीज़ भी उन्होंने कम ही दी है, ये होता तो डायरेक्टली वहाँ पे फिक्स हो जाता है। यहाँ पर खैर ये भी फिक्स हो गया। तो ये हमारा माइक एंड हमारा जो स्टैंड है ये सेपरेटली मैंने बाई किया है। अब बात करते हैं मतलब माइक की क्वालिटी, BM 800 यार सबको पता है अच्छा माइक होता है, ज़्यादातर जो है पॉडकास्टर्स में यूज़ किया जाता है। तो अब प्राइस टैग की बात करते हैं, जैसे कि पहले मैंने इस वीडियो में अपनी जो प्रीवियस अनबॉक्स की थी स्टैंड की, उसमें बता चुका था कि 1500 के आसपास से मुझे पड़ा था, और जो माइक है माइक मुझे पड़ा था जी 2500 रुपीज़ का, क्योंकि दराज पे सेल भी लगी हुई थी और मैंने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया, और मतलब कि ये आई थिंक सो 2700 रुपीज़ का था, और दराज का कुछ वाउचर मिला साथ में डिलीवरी फ्री वगैरह मिलके, ये मुझे कॉस्टली पड़ा 2500 रुपीज़ का। तो आपको जो भी कॉस्ट पड़ेगी 100-200 रुपये ऊपर नीचे हो सकती है। तो अब बात करते हैं सब टोटल की, 2500 प्लस 1500, तो 25 प्लस 1500 इज़ इक्वल टू 4000, तो 4000 रुपीज़ का हमें अपना माइक प्लस स्टैंड पड़ा है। जबकि हम अपने दूसरे मतलब के फुल अगर हम लेते हैं उसकी बात करें तो वो ऑलमोस्ट आपको 5000 मिनिमम एंड मैक्सिमम 6000-7000, वो फिर अबव जितना आप परचेस करना चाहते हो उसमें आपको अवेलेबल मिल जाता है। तो बात यहाँ पर ये है कि यार आपको मतलब के 1000 रुपये जो हैं वो सेव होते हैं, बच जाते हैं, और अगर आप बाय करते हो डायरेक्टली माइक जो कि कॉस्ट आपको पड़ता है 5000 ऑलमोस्ट 5500-6000 के आसपास, तो वो भी आप बाय कर सकते हैं अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, अगर आपने बचाने हैं और इस तरह से सेपरेटली आप ऑर्डर करें। आपने सबसे पहले अपना जो है जो अगर आपने पहले से बाय किए कॉइन्स आपने संभाल के रखने हैं, ठीक है, उन कॉइन्स का ये होता है कि आप जब 2000 से ऊपर का ऑर्डर करते हैं तो वो जो है आपको सिंपल जो पैसे हैं आपके उनमें माइनस कर देता है, और वो भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो मैं तो इसी तरह करता हूँ भाई, सीधी सी बात है। तो बाय करो, जो कॉइन्स पड़े हैं उसको यूटिलाइज़ करो, दराज के मेंबर भी आप बन सकते हो साथ में। ओवरऑल दिखने में तो काफ़ी एक परफेक्ट लुक इसकी आ रही है। अब वॉइस के क्या डिमांड है और क्या सीन है वो अब नेक्स्ट वीडियो में एक शॉर्ट बनाकर मैं बता दूंगा आपको किसका वॉइस जो है वो कैसी है। और ओवरऑल ये हमारा यार आज का प्रोडक्ट था, तो होप्स हो के सब चीज़ें मोस्टली क्लियर होंगी। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।